Hello guys, my name is Arslan. Welcome to my YouTube channel. And today we are going to make a very nice project called a word counter using only JavaScript and Bootstrap. So let's start. So सबसे पहले, first of all, we will create a file index.html. वो हमारी बनी हुई है. अब हम क्या करेंगे? Bootstrap पे जाएंगे और वहाँ से एक starter template को copy कर लेंगे. तो ये रही हमारी starter template, ये रही हमारी. हम इसको कॉपी करेंगे एंड देन हम इसको यहाँ पर HTML पेस्ट कर देंगे. इससे हमारी जो बूटस्ट्रैप की जो हमारी CSS और JavaScript है वो इसमें इंडल्ज हो जाएगी. तो अब हम क्या बोलेंगे, एक नेवबार बना लेते हैं. नेवबार और यहाँ पर नेवबार बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, नेवबार बनाने के बाद हम यहाँ पर एक कार्ड या फिर एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट डाल देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर नेवबार लेके आ जाते हैं. नेवबार लाने के लिए हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप पे जाएंगे. बूटस्ट्रैप से हम नेवबार को कॉपी कर लेंगे. नेवबार जाएंगे, नेवबार का कंपोनेंट्स में नेवबार यहाँ पर है. इसको हम सिंपली फर्स्ट वाला ही कॉपी कर लेंगे. ऐसा हमने कॉपी कर लिया. नाउ यहाँ पर इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे. और हमें क्या क्या चाहिए, सर्च हमें नहीं चाहिए, सर्च हमने हटा देते हैं. और बाकी ड्रॉप डाउन भी हमें नहीं चाहिए, तो हम ड्रॉप भी हटा देते हैं. तो ड्रॉप डाउन भी हटा दो, डिसेबल्ड भी हटा दो. और ये ठीक है, तो अब यहाँ पर से हम ड्रॉप डाउन भी हटा दिया. और अब इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो तो हमारा थोड़ा अच्छा दिखेगा. अब हम इसकी जगह होम ठीक है, लिंक की जगह हम यहाँ लिख देते हैं अबाउट विल लुक फाइन. एंड देन यहाँ पर हम नेवबार की जगह लिख देते हैं टेक्स्ट यूटिलाइजर्स. ठीक है, अब हम देखते हैं के हमारा वो लाइव करके कि ये हमारा कैसा दिख रहा है. तो ये हमारा ठीक ठाक दिख रहा है. अब इसको हम एक क्या करते हैं, बैकग्राउंड जो है हम इसका बीजी डार्क कर देते हैं और नेवबार डार्क. तो इससे क्या रहेगा कि कलर वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड वाइट ब्लैक रह जाएगा. तो ये हमारा अब ठीक दिख रहा है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेवबार बन गया है हमारा. यहाँ पर एक डॉट कंटेनर की क्लास ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको फ्लैक्स बना देंगे. तो डी फ्लैक्स जो होती है, डिस्प्ले फ्लैक्स होता है का अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर. एंड देन जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर. ठीक है, अब इस एफ के अंदर हम यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया हमने यहाँ पर. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक इनपुट लेके आएंगे. इनपुट ले लो यहाँ से. तो इनपुट में हम यहाँ पर से विथ वाइट विथ टेक्स्ट एरिया इस अच्छा था. हम यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया ले लेंगे. टेक्स्ट एरिया देखते हैं कोई है कि नहीं. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला ही चूज कर लेते हैं. ये वाला ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से. तो ये टेक्स्ट एरिया हमने यहाँ से कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं. तो हमें ये चाहिए नहीं, विथ स्पैन विथ टेक्स्ट एरिया हटा लो, बाकी ये ठीक है. तो इसके अंदर हम लिख के देखेंगे कुछ, तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ पर चेक करते हैं कैसा दिख रहा है. तो अभी ये ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है ठीक है इतना. तो इसके जस्ट नीचे हम एक बटन क्लास लेके आएंगे. तो बटन लेके आएंगे हम यहाँ पर जो कैलकुलेट करेगा वर्ड काउंट. तो बटन प्राइमरी या फिर सक्सेस कौन सा लेना चाहेंगे, मैं लेता हूँ सेकेंडरी ये प्राइमरी बटन ले लिया हमने. तो यहाँ पर हम प्राइमरी बटन लगा देते हैं.
अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो ये है इसकी क्लास एक और देनी पड़ेगी जो है फ्लेक्स कॉलम, ताकि ये कॉलम में आ जाए। अभी देखिएगा कि कॉलम में आ गया है, तो अभी ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से मार्जिन भी दे देंगे ऊपर नीचे से, तो एम बाय एम बाय थ्री कर दिया हमने, और हम इसको भी देखते हैं कैसा दिख रहा है। अभी ये ठीक ठाक दिख रहा है। अब यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे और वर्ड काउंट को कैलकुलेट करके यहाँ पर काउंट लिख देंगे। यहाँ पर ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे H3 डॉट वर्ड काउंट, तो यहाँ पर वर्ड काउंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 13 वर्ड है, तो ये 13 मतलब अभी 0 है, लेकिन अभी तो इनिशियल 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर 0 लिख दिया हमें, तो ऐसा कुछ दिख रहा है वर्ड काउंट 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम कोई से भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पर वर्ड काउंट आता जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे, बीजी सेकेंडरी, जिससे उसका पैडिंग दे देंगे हम इसे पैडिंग 4, थोड़ा अच्छा दिखे मतलब। ठीक है, तो बीजी सेकेंडरी दे देते हैं हम इसे SSUND। अभी ये देखिए आप ठीक दिख रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पर वर्ड काउंट प्राइमरी, प्राइमरी की जगह हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट वर्ड काउंट। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर इनिशियली 0 रहेगा। अब इतना सा इतना कुछ ठीक लग रहा है। अब हम ले जाओ उसको को इंक्लूड कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट SRC app.js। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे app.js, और नाउ हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारा इंक्लूड हुआ है जावास्क्रिप्ट या नहीं, तो एडिट लिख लेते हैं यहाँ पर और सेव करते हैं, और अपने कंसोल में इसको देखते हैं कि ये ऐड हुआ है कि नहीं। तो इंस्पेक्ट एंड देन कंसोल, ओके, तो ऐड हो चुका है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, लेट btn इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट btn। ठीक है, btn डॉट एड इवेंट लिसनर, इस पर जब क्लिक करो तो एक फंक्शन चले जो फंक्शन क्या करे, वर्ड काउंट को कैलकुलेट करे। ठीक है, अब हमारे पास लॉजिक लिखने की चांस आ गई है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो टेक्स्ट डॉट कंसोल डॉट लेट टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसकी क्लास दे दो फॉर्म कंट्रोल, या फिर एक और क्लास दे दो टेक्स्ट। तो हम इसको टेक्स्ट बोलेंगे TXT। ओके, अब कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट डॉट वैल्यू, तो जब हम इस पे क्लिक करें तो हमारे पास जैसे कि हम लिख रहे हैं सब्सक्राइब टू माय चैनल डेव विथ अरसलान। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि वैल्यू नल नल डॉट टेक्स्ट। ओके, तो अब हम लिखते हैं सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसको देखेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि ये जो भी टेक्स्ट है, मतलब ये जो भी टेक्स्ट है इसको हमें वर्ड काउंट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट डॉट वैल्यू वैल्यू की वैल्यू क्या आ रही थी। अब हम क्या करेंगे कि जो टेक्स्ट है उसको अरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेट वर्ड्स इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और यहाँ पर स्प्लिट से ये क्या होगा कि अरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर वैल्यू, ओके,
ये हमारी वैल्यू हो गई वर्ड्स हो गए। तो अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें और बोलें कि वर्ड्स को देखो, तो अगर हम वर्ड्स को देखें तो ये हमारे कितने वर्ड्स देखिएगा अब कंसोल में आ रहा है। तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब टू डेविड, रन करते हैं तो अब देखिएगा कि ये कैसा है। तो ये देखिए अब तीन वर्ड्स आ गए, 1 2 3, यहाँ पर भी कितने वर्ड हैं, 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट काउंट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो नाउ अब हमने काउंट वेरिएबल बना लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम एक फॉर लूप लेंगे, फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ। तो हम वर्ड्स डॉट लेंथ तक जाएंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे, एंड देन क्या बोलेंगे हम कि काउंट जो है प्लस प्लस हो जाए। और हम क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग काउंट कर दो। तो आप अगर देखें तो हम अगर मतलब हम कहाँ तक जा रहे हैं कि 0 से वर्ड्स डॉट लेंथ जो भी होगी सर तक हम जाएंगे, वो काउंट हो जाएगा हमारा। तो काउंट अगर हम यहाँ पर लिखें आई एम अर्सलन सब कर, तो मैचल डेब्यूथ अर्सलन ऐसा कुछ लिखे हम, और उसका काउंट करते हैं ये वर्ड्स जो है 8 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो वो प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर हम कुछ भी वर्ड्स नहीं लिखते हैं तब भी इसका काउंट 1 बताएगा। तो अगर आप देखिए रिफ्रेश करते हैं और हम वर्ड काउंट लिखते हैं तो आप ये देखिए वर्ड काउंट से 1 बता रहेगा। तो इसके लिए भी हमें एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। क्या लॉजिक लिखेंगे हम कि इफ वर्ड आई इज इक्वल्स टू ये नथिंग हो तो काउंट जो है इज इक्वल्स टू 0, एल्स एल्स काउंट क्या हो, काउंट प्लस प्लस हो जाए। और अभी देखिएगा आप, अभी ठीक ठाक काम करेगा। तो अगर हम अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं और इसको काउंट करते हैं तो ये 0 आ रहेगा। और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसा कुछ आई एम अर्सलान सब्सक्राइब टू माई चैनल देवदत्त अर्सलान, तो ये 8 आ रहेगा। तो ऐसे ये काम करते रहेगा। ऑल्सो लाइक दी वीडियो ऐसा कुछ देखते हैं तो ये काउंट कितना हो जाएगा, 20। ओके, ये ऐड हो गया है। तो हम इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी हम लिखेंगे ये और लिखेंगे ऑल्सो लाइक द वीडियो, तो ये आना चाहिए 12। तो ये 12 आ गया है। पहले क्या हुआ था कि हमने बिना रिफ्रेश करे उसको ऐड कर दिया था, तो ये वो जो हमारा लूप था उसमें ऐड होके 8 प्लस 8 प्लस 4 आ गया था। तो 8 प्लस 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा, 20। तो इसलिए वो 20 शो कर रहा था। तो हमें इसको रिफ्रेश करते रहना है और ये काम करेगा। अब हम क्या करेंगे कि लेट वर्ड काउंट जो है इसे ग्रैब कर लो। तो वर्ड काउंट हमारा एक वेरिएबल हमने बनाया था, आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर हमने एक वर्ड काउंट ये बनाया था वेरिएबल, ठीक है। तो इसको वर्ड काउंट को हम ग्रैब कर लेंगे, लेट वर्ड काउंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट वर्ड काउंट, ठीक है। तो डॉट वर्ड काउंट जो है वो ये है, इसका कैपिटल सी है कैमल कैसे, तो वर्ड काउंट हो गया। तो वर्ड काउंट डॉट इन आर एचटीएमएल को हम काउंट की इक्वल कर देंगे, एंड देन हमारा आंसर जो है वो हमारा जो प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो वर्ड काउंट डॉट इन आर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू वर्ड काउंट काउंट, तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, एंड देन हम यहाँ पर लिखते हैं आई एम अर्सलन सब्सक्राइब टू माय चैनल डेव विथ अर्सलन ऑल्सो लाइक दी वीडियो। तो देखिए 12 वर्ड्स आ गए।
अब इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लाइक इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर लें, या फिर इसका जो बटन है बटन भी चेंज कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, बटन को थोड़ा सा आउटलाइन वाला बटन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं डार्क, तो डार्क इस पे ऐसा आउटलाइन डार्क पे जब अपन होवर करें तो कलर चेंज हो जाए, तो हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं। तो अभी देखिएगा फ्लिपकार्ट वर्ड काउंट, तो ये ठीक ठाक दिख रहेगा। इसकी जो है एक हेडिंग भी आएगी, तो यहाँ पर हम H2 लिख देते हैं और लिख देते हैं कैलकुलेट वर्ड। वर्ड काउंटर, तो अभी देखते हैं कैसे दिख रहा है। वर्ड काउंटर आ गया है यहाँ पर, इसको मार्जिन भी देनी पड़ेगी और हम मार्जिन दे देते हैं जल्दी से। मार्जिन दे दो आप MY2 की ऊपर नीचे से, और इधर पर दे दो MY2 की, MY3 यहाँ दे दो, एंड देन यहाँ पर भी थोड़ी सी मार्जिन देना पड़ेगी थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए। अभी ठीक ठाक दिख रहा है। और सेकेंडरी की जगह हम इसे कर दें प्राइमरी या फिर ना प्राइमरी, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अभी देखिए अभी मस्त दिख रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पर टाइप करेंगे कुछ भी और कैलकुलेट करेंगे तो ये वर्ड काउंटर क्यों आ गए। तो हम इसको एक और क्लास दे देते हैं टेक्स्ट वाइट, तो अब ये ठीक ठाक काम करना चाहिए। तो इसका जो है इसका भी ठीक आउटलाइन वाली क्लास रहने देते हैं, ये ठीक दिख रहा है क्योंकि ये मस्त दिख रहा है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं आई एम अर्सला, और इसको अगर कैलकुलेट वर्ड काउंट करें तो ये ठीक ठाक हो गया है, तो वर्ड काउंट 3 आ गया। ओके, तो इसको रिफ्रेश करो। वर्ड काउंटर का सी यहाँ पर से कैपिटल कर दो। आप चाहे तो स्टाइलिंग में जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर आप गूगल फॉन्ट से फॉन्ट्स लेके आके इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसकी कुछ और क्लासेस भी दे सकते हैं। ये इसको बैकग्राउंड का आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो वो भी चेंज कर सकते हैं, और आपकी चॉइस है, आप जैसा भी स्टाइलिंग करना चाहे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट कि आपको वीडियो पसंद आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।